Hey guys, this is Mukul Sharma aka Stuff Listings and this is Domino aka Domino. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ एंड सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइनअप ऑफ स्मार्टफोन्स तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बट सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज का लाइट वेरिएंट भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अब सुनने में आ रहा है कि आपको अक्टूबर महीने में सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट या फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 एस पेन एडिशन या बहुत सारे अलग अलग नाम वगैरह निकल के आ रहे हैं, अक्टूबर में आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज का लाइट स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं एंड अमेज़फिट की बात करें तो अमेज़फिट के बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस हाल ही में लॉन्च हुए हैं इंडिया में एंड अमेज़फिट GTS और अमेज़फिट GTR तो मेरे पास नहीं है बट GTS यहां पे पड़ी है। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया जिसमें आपको डे टाइम नैप मॉनिटरिंग का फीचर देखने को मिलेगा। सो डे टाइम में अगर आप सोते हो, नैप वगैरह लेते हो और अगर आप उसकी ट्रैकिंग करना चाहते हो तो ये फीचर आपके काम आ सकता है। डे टाइम पे हमें तो सोने को नहीं मिलता, हमें रात को भी सोने को नहीं मिलता बट स्टिल इफ यू आर लकी इनफ बट इफ यू वांट टू कीप अ ट्रैक कि भाई आप कितना सोते हो, आपकी जो डे टाइम की नैप हो वो कितनी हेल्थी है, ये सारी चीजें आप लेटेस्ट अपडेट के बाद अमेज़फिट GTS और अमेज़फिट GTS में यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं LG की तरफ। LG Q31 स्मार्टफोन जिसके बारे में आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि ये स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, गूगल के सपोर्टेड डिवाइसेस के लिस्ट में ये स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका था। आज ये स्मार्टफोन कोरिया की NRRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट होती है, वहां पे भी सर्टिफाई हो चुका है। दैट मींस जल्दी ही आपको LG Q31 स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं गूगल फोटोज की तरफ एंड गूगल फोटोज में अब आपको एक रीवैम्प्ड रीडिजाइंड सिंपलर डिजाइन देखने को मिलेगा और इसका लोगो भी अब चेंज हो चुका है। मैं आपको दोनों ही लोगो साइड बाय साइड दिखा रहा हूं। ये लेफ्ट साइड पे आपका गूगल फोटोज का एग्जिस्टिंग या फिर पुराना लोगो था और जो अब लेटेस्ट अपडेटेड लोगो है उसको मैं राइट साइड पे दिखा रहा हूं। सो इफ इन केस आपने गूगल फोटोज को अभी तक अपडेट नहीं किया, आप अपडेट करके इस नए अपडेट का मजा उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं LG की तरफ एंड LG ने एक नए TWS लॉन्च किए हैं, LG टोन। आगे कुछ मॉडल नंबर है इसका HBS FN6। आपको पता है TWS वगैरह के मॉडल नंबर्स बहुत सारे कंफ्यूजिंग से होते हैं। सोनी ने भी अभी लॉन्च किए थे 2 TWS। LG ने ये जो TWS लॉन्च की हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में अभी कुछ नहीं बताया कंपनी ने। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, LG के TWS की ये जो इनका केस होगा वो खुद ही इनको स्टरलाइज कर देगा। मतलब आप कान में घुसेड़ते हो, कान में गंदगी वगैरह होती है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो चलो अपने कान की तो अलग बात है, आप किसी को पकड़ा रहे हो वो यूज कर रहा है और उसके कान से जो बैक्टीरिया वो आपके कान में जाएगा, कैसा लगेगा आपको? सुबह सुबह आप चाय पी रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ये वाली थिंक अबाउट इट, इमेजिन दैट इट विल बी ग्रोस। सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स एंड ये जो LG TWS लॉन्च कर रहा है इसमें स्टेरलाइजिंग एजेंट होंगे केस के अंदर, जब आप उसको TWS को डालोगे वो अपने आप क्लीन हो जाएंगे। सो यस, कहां जा रही है टेक्नोलॉजी। सो अगर आप अपने कानों की हाइजीन को लेके कॉन्शियस हैं तो ये जो LG के अपकमिंग TWS आने वाले हैं ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, डू यू लाइक द आइडिया ऑफ आस्किंग संडे स्टफ क्वेश्चंस ऑन Instagram? 59% लोग कह रहे हैं यस अमेजिंग, 41% लोग कह रहे हैं नो, यहीं पे पूछो। तो अब यहाँ पे मिक्स फीलिंग है, सो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। विल सी टू इट एंड आपको जो भी अपडेट होगा सैटरडे तक आपको हम कम्युनिटी पे बता देंगे कि इस बारी के संडे स्टफ के क्वेश्चंस कहाँ पे पिक किए जाने हैं, बिकॉज मेजोरिटी तो यहाँ पे कह रही है कि येस करो इंस्टाग्राम पे एंड आइडियली वी शुड गो विद द मेजोरिटी, बट स्टिल 41% लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया कि इंस्टाग्राम पे हम क्वेश्चन पूछे, आप एक बारी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूं हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज ही ना करते हो, सो उनके लिए दिक्कत यहाँ पे होने के चांसेस हैं। सो आप एक बारी जेन्युइनली कमेंट करके बता दो कि हम ऐसा क्यों ना करें। अगर मेरे को लगता है कि दैट द आइडिया इज जेन्युइन इनफ, हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम आपके कम्युनिटी पे ही क्वेश्चन पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं iOS 14 की तरफ एंड iOS 14 जो बीटा अभी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनको YouTube में iOS 14 के बाद 4K स्ट्रीमिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। सो अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग बट स्टिल अगर आप यूज कर रहे हो iOS 14, आप हमें यूज करके बता सकते हो कि क्या आपको YouTube में 4K ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते हैं फूजी फिल्म की तरफ एंड फूजी फिल्म ने इंडिया में इंस्टैक्स मिनी 11 करके एक इंस्टेंट कैमरा लॉन्च किया जिसकी प्राइसिंग है ₹6,000। तो अगर आप वो क्लिक एंड वो जो होता है ना, आप करते हो थूक कैसे जीप से वो फोटो निकल जाती है वो वाली, सो उस टाइप की अगर इमेजेस वगैरह फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्टेड हो और अगर आपके पैसे हैं ₹6,000, आप ये फूजी फिल्म का इंस्टैक्स 11 इंस्टेंट कैमरा खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ एंड Xiaomi का मी कैलेंडर अब फाइनली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए। अभी के लिए आप खाली Xiaomi के मी या Redmi स्मार्टफोन्स में ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके इसके अलावा और कोई स्मार्टफोन है आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे,
क्यों करोगे? वैसे गूगल कैलेंडर अवेलेबल है, बट स्टिल आपको बताना यहाँ पे जरूरी था। हो सकता है आपको फ्यूचर में एक नया अपडेट रोल आउट हो और उसके बाद आप किसी भी स्मार्टफोन में, किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन में Xiaomi का मी कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ली है, लेट्स चेक आउट कितने लोग वीडियोस देखते हैं। सो गिव अवे जो हमने Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन का रखा था, उसके विनर की अनाउंसमेंट का अब टाइम आ चुका है। सो Motorola One Fusion Plus में हमने टारगेट रखा था अराउंड 2500 रीट्वीट्स का, वो आप लोगों ने एक घंटा और कुछ मिनट लगा के उसको अचीव कर लिया। That's overwhelming. हम ट्रेंड किए फिर से, स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी ट्रेंडेड वंस अगेन, बट अगेन यू नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डिसाइड वन विनर। सो इस बारी जो Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन है ये तो मेरा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस वन, ये मेरे पास ही रहेगा, आपको एक नया बॉक्स पैक मिलेगा। सो Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन के विनर इस बारी के लिए है अभिजीत मोहंती। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू कंग्रेचुलेट अभिजीत की भाई यू नो Motorola One Fusion इट्स अ वेरी गुड स्मार्टफोन। उन्होंने रिट्वीट किया एंड जो सारी शर्तें वगैरह थी उन्होंने सबका पालन करके इस गिव अवे को जीता है। और बाकी सारे लोग जितने भी हैं, ट्रस्ट मी, मैंने Amazfit BipS के जब गिव अवे का अनाउंसमेंट किया था उस टाइम भी बोला था जल्द ही आपको दूसरा गिव अवे देखने को मिल जाएगा, Motorola का हो गया। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ 75K हमने रीच किया है अभी यू नो ट्विटर पे, जल्दी ही आपको 3-4 और गिव अवेज देखने को मिलने वाले, हो सकते हैं इस महीने के एंड से पहले ही आपको एक और गिव अवे देखने को मिल जाए। सो डोंट लूज होप बट स्टिल अंडरस्टैंड, जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उतना मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है एक विनर चूज करना, बट वी चूज विनर्स कंप्लीटली रैंडमली, आगे भी ऐसा ही चलेगा और आप पार्टिसिपेट करते रहिए, जल्दी ही सबको कुछ ना कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अभिजीत मोहंती, और मैं चाहूंगा आप सब लोग भी कमेंट सेक्शन में एक बारी बी अ स्पोर्ट एंड उनको एक बारी कंग्रेचुलेट कर दो, उनको एक नया फोन जल्दी ही शिप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ एंड OnePlus Nord के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बट OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो दोज हु वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द OnePlus 8 Pro, कल ये स्मार्टफोन सेल पे गया और फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब आई डोंट नो क्या चल रहा है, OnePlus के स्टॉक्स में कमी है क्या है, मेरे को रिव्यू यूनिट उन्होंने प्रॉमिस की थी अभी तक भेजी नहीं है। नेवरदलेस OnePlus 8 Pro की अगली सेल जो है 29th ऑफ जून को है, सो इफ इन केस आप अभी तक इसको खरीद नहीं पाए एंड इफ यू आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ OnePlus सीरीज स्मार्टफोन्स, और अगर आप OnePlus Nord नहीं आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो 29th ऑफ जून को आप वापस से अपना लक ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टेक स्टफ के गेमिंग सेक्शन की तरफ एंड प्रोजेक्ट कार्स 3 इससे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था प्रोजेक्ट कार्स 3 गेम जो है जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, अब इसकी लॉन्च डेट फाइनली आ चुकी है, ऑफिशियल लॉन्च डेट है इसकी 28th ऑफ अगस्त। So, अगर आप प्रोजेक्ट कार्स 3 गेम में इंटरेस्टेड हैं, आपको अब ज्यादा वेट तो 2 महीने तो वेट करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपके पास अब लॉन्च डेट आ चुकी है। वन पंच मैन जो कि एक बहुत ही फेमस एनिमे है, उसकी गेम अब जल्दी ही आपको एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगी। 30th of June को लॉन्च हो रही है वन पंच मैन रोड टू हीरो 2.0। सो इफ इन केस आप इस फ्रेंचाइजी की फैन है, आपको जल्दी ही एक इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिल सकती है। पीसी गेम्स खेलते हुए अगर आपके लैपटॉप या आपके पीसी में लैग्स आते हैं तो COX करके एक कंपनी है जो क्लेम कर रही है कि $5 पर मंथ में वो आपके जो लैग है उसको रिमूव कर सकती है और आपकी गेमिंग को कंप्लीटली लैग फ्री बना सकती है। बाय द वे ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये US की कोई कंपनी है, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो ये बता रहे हैं, आपको बताना मेरा धर्म था, पैसा मेरे को इसके लिए नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ एंड स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी के सारे मेंबर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, आप घर बैठे $35,000 कमा सकते हैं। सो नासा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम, एक ऑफर हम लोगों को दिया है, वो कह रहे हैं कि यार $35,000 हम आपको देंगे बट आपको हमें सजेशन देनी पड़ेगी फ्यूचर मून टॉयलेट्स बनाने की, डिजाइन करने की। सो अगर आप इस चीज में थोड़ी सी भी एक्सपर्टीज रखते हैं आप $35,000 घर बैठे कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिकटॉक की तरफ एंड दो मैं टिकटॉक यूज नहीं करता बट टिकटॉक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आई जो मेरे को आपको बताना जरूरी था। टिकटॉक ने अब टिकटॉक फॉर बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सो बिजनेस अकाउंट्स अब फाइनली टिकटॉक पे आ चुके हैं और जो AR स्टिकर्स, AR इमोजीज, एड्स वगैरह जो होते थे स्नैपचैट पे वो अब आपको टिकटॉक पे भी देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं रियलमी की तरफ एंड रियलमी X3 सुपर जूम स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स Qualcomm Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर पे रन करते हैं इंडिया में, बट अगर हम डिजिटल चैट स्टेशन की माने तो अगर ये स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हुए तो ये किसी और प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकते हैं एंड आपको हो सकता है कि चाइना में ये 5G में देखने को मिल जाए। सो 5G हुआ तो हो सकता है Qualcomm Snapdragon 765 प्रोसेसर हो Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम में चाइनीज जो इनके काउंटर पार्ट होंगे। हमें क्या लेना, अब हो चुका है हमारा तो जो बनना बिगड़ना था बिगड़ गया। 855 प्लस में आपको Realme X3 और Realme X3 सुपर जूम स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने को मिल रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ। OnePlus TVs, जो दो OnePlus TVs आ रहे हैं 2 जुलाई को, ये दोनों ही TVs BEE सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुकी हैं। अब BEE सर्टिफिकेशन आप कहोगे कोई नई चीज आ गई, ऐसे कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको पता होगा एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होती है ना आपके फ्रिज पे, एसी पे, जो सब कुछ लगा होता है, वहां पे ये दोनों टीवीज आ चुके हैं। एंड इनमें से जो छोटा वाला टीवी होगा उसकी 3 out of 5 रेटिंग है और दूसरे की 4 out of 5 रेटिंग है। आई डोंट नो ये चीज आपके लिए मैटर करती है कि नहीं करती, बट स्टिल आपको बताना मेरे लिए जरूरी था। एंड जो इसका बिगर काउंटर पार्ट है वो आपको ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। सो इफ इन केस यू आर प्लानिंग ऑन बाइंग द OnePlus TVs जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, मे बी आपको जो इसका महंगा मिड रेंज काउंटर पार्ट है वो परचेज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, एंड OnePlus Nord से खत्म करते हैं। OnePlus Nord के बारे में रोज इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आती जा रही है। Instagram पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। OnePlus Nord का जो ऑफिशियल अकाउंट है OnePlus Lite Z Think करके, वहां पे उन्होंने बहुत सारे लीकस्टर्स को काइंड ऑफ ट्रोल किया, या फिर उनका यू नो वट एवर दे हैव मेंशनड, OnePlus has mentioned a lot of leaksters including ईशान अग्रवाल, मैक्स जे, इवान ब्लास एंड आई बिलीव वाइस यूनिवर्स और मैक्स फ्रॉम XDA। सो इन सारे लोगों को वहां पे मेंशन किया और उन्होंने वो कह रहे हैं कि यार दीज गाइज आर वेरी गुड एट लीकिंग, ऑफकोर्स दे आर, बट वी कैन लीक इट बेटर। सो वो कह रहे हैं कि ये जो लीक्स वगैरह होंगे OnePlus Nord के, वो आपको यहीं पे Instagram के हैंडल पे देखने को मिलेंगे। सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं ऑफकोर्स अगर आपने अभी तक नहीं किया। और साथ ही साथ वो साइड पे ना बॉटम लेफ्ट पे एक फोटो उन्होंने फोन की दिखा रखी है। अब ये पता नहीं कौन सा स्मार्टफोन है, ये आईफोन तो लग नहीं रहा, हो सकता है आईफोन का ही कुछ उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया हो, या फिर हो सकता है एक प्रोटोटाइप स्मार्टफोन हो। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, हो सकता है ये OnePlus का कोई स्मार्टफोन हो, आगे फ्यूचर में देखने को मिल जाए, हो सकता है Nord ही हो फॉर ऑल वी नो। एंड साथ में और भी बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल OnePlus अपने OnePlus Nord के क्रिएशन में जो पिछले 6 महीने OnePlus ने इन्वेस्ट किए हैं उनको लेके एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करने वाला है, और 30th of June को इसका प्रीमियर होगा। सो 30th of June को अगर प्रीमियर है, दैट मीन्स 30 जून से पहले आपको ये स्मार्टफोन नहीं देखने को मिलेगा, ये अब कंफर्म हो चुका है। और उसमें हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स वगैरह डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। OnePlus ने वैसे बहुत सारे यू नो क्लूज वगैरह तो देने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ शॉट्स वगैरह दिखा रहा हूँ। Nord को उन्होंने ऑफिशियली टीज करना स्टार्ट कर दिया। और आज के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, अगर आप Amazon खोलो, Amazon इंडिया खोलो और Nord सर्च करोगे तो आपको OnePlus को देखने को मिल जाएगा वहां पे, और सर्च रिजल्ट्स में OnePlus का जो अभी प्रमोशन वगैरह चल रहा है Amazon पे वो आ जाएगा। दैट मींस Nord इज नाउ कंफर्म्ड। अब देखते हैं स्मार्टफोन को कंपनी लॉन्च कब करती है। और वीडियो खत्म करने से पहले कल के बेस्ट कमेंट्स पढ़ लेते हैं। हितेश कह रहे हैं माय फोकस वाज ऑन योर हेयर स्टाइल इन द एंटायर वीडियो, कहो तो बाल कटवा दूं। आगे जेके बिस्वाल कह रहे हैं आई फॉलोड ट्रैक इन टेक टेक्नो रोहेस बट फ्रॉम देयर चैनल्स आई नो यू एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, बेस्ट लीकर। थैंक्स अ लॉट ब्रदर, थैंक्स अ लॉट, दैट मींस अ लॉट कि आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। भुवन कुमार आगे कह रहे हैं वी वॉन्ट डोमिनो टू अनबॉक्स अ फोन, डेफिनेटली। चलो ये चैलेंज मैं ले रहा हूं, जिस दिन हमारे 50K सब्सक्राइबर्स हो गए YouTube पे, उस दिन मैं खुद से फोन खरीदूंगा और मैं उसको रखूंगा यहाँ पे। डोमिनो को मैं बोलूंगा किसी तरीके से उससे अनबॉक्सिंग कराएंगे, एंड विल मेक श्योर दैट वी पे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्मार्टफोन और वट एवर प्रोडक्ट वी डू वी अनबॉक्स, बट हम डोमिनो से एक अनबॉक्सिंग पक्का आपको इस चैनल पे दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ, है अभिषेक ठाकुर इज द कमेंटेटर ऑफ द डे। वो कह रहे हैं OnePlus विल ईट द मार्केट इफ लॉन्च्ड बिलो 25K विद ऑल द स्पेक्स दैट यू हैव टोल्ड। टोटली अग्रीड हियर, टोटली अग्रीड। OnePlus ने हिला के रख दिया। और आज के पोल का क्वेश्चन भी आपके लिए यही है कि रीसेंट डेज में, रीसेंट टाइम्स में जो मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह चलते हैं प्रमोशन के किसी अपने स्मार्टफोन के, आपको क्या लगता है इन चारों कंपनीज में से किस कंपनी ने सबसे अच्छी मार्केटिंग की है, OnePlus, Poco, Xiaomi या फिर Realme? कम्युनिटी सेक्शन में आप जाके अपने फेवरेट ब्रांड के बारे में पोल करके हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टफ दैट यू शुड नो के साथ, एंड चिरंजीत कह रहे हैं इन 1912 जिम थॉर्पे एन अमेरिकन इंडियन हैड हिज रनिंग शूज स्टोलन ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ओलंपिक ट्रैक्स एंड फील्ड इवेंट्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। ही फाउंड अ मिसमैच्ड पेयर ऑफ शूज फ्रॉम द गार्बेज एंड ही रैन विद देम टू विन 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स दैट डे। भाग जिम भाग। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कोई फैक्ट है, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, एंड सीरियसली आई एम थैंकफुल कि आपने हमें इसके बारे में बताया। सो इफ इन केस आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो कि आपको नहीं पता था, एंड यू कैन गिव हिम अ लाइक। इफ यू ऑलरेडी नो दिस फैक्ट आप बोल सकते हो यस आई नो सो। सो गाइस वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बार ये स्टफ यू शुड नो वाली बात फिर से क्लियर कर दूं। ये आप लोगों का सेक्शन है, दिस इज डेडिकेटेड टू यू गाइज। आप हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रोवाइड करते हो और मैं बस पढ़ के नरेट करके सुना देता हूं। इसके ज्यादा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है कि यार मैंने कुछ इस पर रिसर्च वगैरह नहीं की होती है। सो आई ट्रस्ट यू गाइज, आप अपने से कुछ रिसर्च करके ये हमें स्टफ यू शुड नो प्रोवाइड करते होगे, और कितना वो लिजिट है कितना नहीं है वो भी आई बिलीव कि आप लोग अच्छे से एक बार रिसर्च करके ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो इट वॉन्ट बी हेल्पफुल फॉर एनी वन। सो अगर यू नो कोई स्टफ यू शुड नो मैं पिक कर रहा हूं तो उसका सोर्स क्या है, एज इन आपने विकीपीडिया
विकिपीडिया से उसको लेके मेरे को बोला है, किसी और वीडियो से लेके बोला है, मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है, मेरे को उस इन्फॉर्मेशन से मतलब है जो कि आपने प्रोवाइड की है। सो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखो यार, अगर आप कमेंट में लिखते हो कि ये वहां से उठाया गया था, वहां से उठाया गया था, कोई लेना नहीं है, मेरे लीक हर जगह उठाए जाते हैं और मैंने आज तक जब नहीं बोला, तो इस चीज के लिए आप कमेंट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो देयर यू गो गाइस, दैट्स ऑल फॉर सुबह वाली वीडियो। शाम की वीडियो आपको 5:50 पे देखने को मिल जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस। इट विल बी ग्रॉस, सो स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। वापस बोलना पड़ेगा इंस्टैक्स, बट आगे बढ़ते हैं। शाओमी की आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो,